क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है कि ए एंड बी का मंथली इनकम का रेशियो है 4:5 एंड दोनों के मंथली सेविंग का रेशियो क्या 14:19 और बोला है कि एक्सपेंडिचर अगर दोनों का है 1200 तो हमें बताना है कि ए एंड बी के मंथली इनकम के बीच का जो डिफरेंस है क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताएंगे, फिर उस मेथड के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बताएंगे। तो हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखिए, हमें निकालना है इनकम। तो जो निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे, यहाँ ए रखा बी रखा 4:5, ये हो गया आपका इनकम वाला सिम। फिर क्या है सेविंग्स, सेविंग्स आपका क्या हो गया है 14:19, तो हमने 14 लिखा 19 लिखा। फिर दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो 1200 है, यहाँ पर 1200 लिखा 1200 लिखा, ये आपका क्या एक्सपेंडिचर। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करेंगे, तो 19 × 4 कितना हो गया 76, 14 × 5 हो गया 70, 76 माइनस 70 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 तो दोनों में ही कॉमन आ गया, 1200 × 19 माइनस 14 हो जाएगा 5। तो जो 6 का वैल्यू है ना वो आ गया है 1200 × 5, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। अगर 1 का वैल्यू 1000 है हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच मंथली इनकम जो है ना इसका गैप कितने का है, गैप 1 का है एंड 1 का वैल्यू है 1000, सो 1000 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। ये है बहुत ही आसान मेथड, लेकिन मान लीजिए कभी कभी आप मेथड भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड भूल जाने पर कैसे करेंगे, ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम आपका 30 to 40 seconds का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। तो जो इनकम था ना, इनकम था 4x और 5x हमने ले लिया। क्या बोला है कि इसमें से एक्सपेंडिचर जो 1200 है दोनों का, हमने 1200 को माइनस कर लिया और माइनस करने से क्या बचेगा, जो सेविंग्स है उसका रेशियो कितना है, तो ये बोला है 14:19 का, तो इसको 14/19 लिख सकते हैं, 14y/19y लिख सकते हैं। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, 14:19 ले लिए। अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो काम यहाँ पे किए थे ना सेम काम यहाँ पे हो रहा है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 76 × 1200 × 19 = 70x − 1200 × 14 आ गया, 6x = 1200 × 5, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1000, समझ गए। तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर हमें चाहिए इनकम, इनकम नहीं, अगर हाँ इनकम ही इनकम चाहिए, तो एक से हमने किस में मल्टीप्लाई किया है, देखिए 4 और 5 इनकम वाले में मल्टीप्लाई किया। अगर हमें सेविंग्स चाहिए होता ना मेरे दोस्त, तो एक से जो है हम सेविंग्स वाले में मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और उसमें 1200 ऊपर नीचे ऐड करके 4/5 लिख लेते। यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सेविंग्स को हम ऊपर लिख लेते और इनकम को नीचे लिख लेते, जो आप ऊपर लिखेंगे उसी का आंसर आएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको सलूशन पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको सारे बेस्ट पीओएक्यू का सलूशन डिटेल में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। धन्यवाद।